लेकिन कुछ सीख के आते तो अच्छा लगता। वह उड़ीसा गए, अगर वह उड़ीसा में देखते कि उड़ीसा बिहार से भी ज़्यादा पिछड़ा राज्य था, लेकिन आज नवीन पटनायक जी के साथ मिलकर के पूरा पुरी से लेकर के भुवनेश्वर तक सॉफ्टवेयर पार्क खुला हुआ है। हाले किधर है पता ही नहीं चलता, वह जनता के सामने दिखाता है विरोध में है और रात में तेजस्वी जी के कमरे में बैठ के उनकी चमचागिरी करता है। बिहार की कोई चिंता नहीं है, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से कोई कार्य बिहार में नहीं हो रहा है, उसको छोड़ करके केवल पर्यटन कर रहे हैं। तो 24 तक उनके पास मौका है, जितना घूमना है घूम ले। 2024 तक जितना घूमना है घूम लीजिए नीतीश जी, ये कहना है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। सीधे तौर पर जिस तरीके से अब नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दौरे पर हैं और लगातार वो हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सीधे तौर पर ये दावा वो कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र की सत्ता में बैठी है, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और उसमें से एक दो सीट भी जीत जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। क्या कह रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले सुने। नीतीश कुमार जी पर्यटन कर रहे हैं और वह पर्यटन करके पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, बाकी उनके जाने नहीं जाने से जहाँ जाते हैं उनके सपोर्ट में दो शब्द बोलते हैं, लेकिन कुछ सीख के आते तो अच्छा लगता। वह उड़ीसा गए, अगर वह उड़ीसा में देखते कि उड़ीसा बिहार से भी ज़्यादा पिछड़ा राज्य था, लेकिन आज नवीन पटनायक जी के साथ मिलकर के पूरा पुरी से लेकर के भुवनेश्वर तक सॉफ्टवेयर पार्क खुला हुआ है। आज पूरे देश के लोग पढ़ने उड़ीसा जा रहे हैं, जो कभी दक्षिण भारत जाते थे, आज KIT जो इंस्टीट्यूशन है उसमें पूरे देश के लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं, केवल घूम रहे हैं, लोगों से गप्पे मार रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बिहार की कोई चिंता नहीं है, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से कोई कार्य बिहार में नहीं हो रहा है, उसको छोड़ करके केवल पर्यटन कर रहे हैं। तो 24 तक उनके पास मौका है, जितना घूमना है घूम लें। 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, 10 सीट में से एक दो सीट जीत जाए तो उनकी उनके लिए बहुत भाग्यशाली होंगे वो। एक सवाल है कि लगातार महागठबंधन में लोकसभा सीट को लेकर हर एक पार्टी, महागठबंधन में सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं। यह ऐसा गठबंधन है कि आज शिक्षक में जो गलती नीतीश जी ने किया है उसके खिलाफ 5 दल हैं। कांग्रेस अपना अलग रोना रो रही है कि हम 19 सीट जीत करके 2 मंत्री बने हैं। माले किधर है पता ही नहीं चलता, वह जनता के सामने दिखाता है विरोध में है और रात में तेजस्वी जी के कमरे में बैठ के उनकी चमचागिरी करता है। तो ये पूरा जो महागठबंधन है ये केवल सत्ता का चुंबक से जुड़ा हुआ है। जैसे सत्ता हाथ से जाएगी ये महागठबंधन स्वयं 24 के बाद समाप्त हो जाएगा। साफ तौर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ये बयान है कि नीतीश कुमार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो 10 सीट है उसमें से भी एक दो सीट जीत जाएं तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। एक ओर जहां नीतीश कुमार 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ये कह रही है कि नीतीश कुमार 10 सीट पर लड़ेंगे। बिहार में 40 सीट है, 40 में से 10 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और उस 40 सीट में से भी अगर 10 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और उसमें से भी अगर एक दो सीट पर भी वो चुनाव जीत जाए तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में लोकसभा की चुनाव जो है वो बुरी तरीके से हारेंगे। विशाल भारद्वाज, HD News, पटना।